तो यूपी कांग्रेस ने अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। अजय राय के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से इस कार्यकारिणी का इंतजार हो रहा था, जिसमें 16 उपाध्यक्ष सहित 130 पदाधिकारी बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव शामिल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस नए कार्यकारिणी के ऐलान के बाद कुछ सवाल उठने शुरू हुए, तो वहीं पार्टी के इस ऐलान में कांग्रेस के भविष्य के प्लान भी दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में कांग्रेस ने नई टीम की सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 3 महीने बाद आखिरकार अपनी यूपी टीम के 130 सदस्यों का ऐलान कर दिया है। अजय राय की नई कमेटी में जहां क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है, वहीं उदयपुर चिंतन शिविर में की गई घोषणाओं को लागू भी किया गया है। करीब 68% से ज्यादा भागीदारी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 23 दलित, 22 मुसलमान और 44 ओबीसी वर्ग के नेताओं को शामिल किया गया है। सामान्य वर्ग में 12 ठाकुर, 16 ब्राह्मण, 3 भूमिहार सहित 41 लोगों को जगह मिली है। कार्यकारिणी में निषाद, पाल सहित अन्य अति पिछड़ों पर भी जोर दिया गया है। टीम में युवा जोश बरकरार रखने के लिए 67% पदाधिकारी 50 साल से कम के रखे गए हैं। पुराने चेहरों पर दाव लगाने के बजाय नए चेहरों को मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने 130 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में खास करके प्रियंका गांधी जी के समय में जिन नौजवानों ने संघर्ष किया था, सड़कों पर लाठियां खाई थी, उनको जगह मिली है। जो सामाजिक समीकरण है उत्तर प्रदेश के, उस हिसाब से भी लोगों को एडजस्ट किया गया है। साथ ही साथ जो अनुभव वाले लोग हैं, जो नेता हैं जिनके पास अनुभव रहा है, उन सारे लोगों को पार्टी में इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। अजय राय की नई टीम को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस टीम पर राहुल गांधी का असर दिख रहा है, जबकि प्रियंका गांधी का असर फेल होता दिख रहा है। दरअसल इस टीम में सबसे ज्यादा तवज्जो ओबीसी को दी गई है, वही महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है। देखिए, कागज पर देखिए तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि 6% के लोग इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन हकीकत में जब जमीन पर काम करना होता है तो वो एक अलग नज़ारा होता है और अलग अनुभव होता है। और इसमें भी अगर आप प्रतिशत में गिन रहे हैं तो महिलाओं की अगर संख्या देखेंगे तो वो बहुत कम है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि महिला यानी प्रियंका गांधी की कम चली है और राहुल गांधी की ज्यादा चली है। यूपी में कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसकी झलक नई टीम में दिखाई दे रही है। अजय राय ने जातीय समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को साधने की भी भरपूर कोशिश की है। अजय राय युवा टीम बनाकर पार्टी को हौसले की उड़ान देने की कवायद में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।